पीएमकेयूवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बैक्स एजुकेशन सोसाइटी का मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे तीन तरह के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि आप पहले देख रहे हैं, तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स जो कि मैंने चूज किया है, एफटीसीपी फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल। एफटीसीपी में हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिटेल के बारे में बताया जाता है, डिटेल के अंदर बताया जाता है, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग, सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर के ओल्ड पार्ट्स के बारे में पूरी डिटेल बताई जाती है, जैसे कि क्या हमें ठीक करना है, कैसे क्या करना है, सेटअप पूरा। आज हम बात करेंगे सीपीयू के मदरबोर्ड के बारे में, जैसे कि ये आपके सामने मदरबोर्ड रखा हुआ है। आज हम मदरबोर्ड के पूरे बेसिक पार्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि इसके अंदर पोर्ट और क्या कहते हैं इसके स्लॉट्स के बारे में पूरा व्याख्यान करेंगे, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि शुरू करूं, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ ब्रिज है और ये हमारा साउथ ब्रिज है, और इसके अंदर ये हमारा इंटेल प्रोसेसर है। इसके अंदर दो तरह के प्रोसेसर होते हैं, एक तो स्लिम होता है जो हमारा इंटेल होता है, और एक क्या कहते हैं पिंस वाला होता है जिसे हम एएमडी बोलते हैं। ये हमारा इसके अंदर इस वक्त इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है जिसे हम LGA 775 बोलते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि ये हमारा पैरेलल पोर्ट है, ये भी बहुत क्या कहते हैं काम में आता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगता है इसके अंदर। और ये हमारा PCIe स्लॉट है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जैसे कि इसके अंदर हम अपना क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो कार्ड लगा सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट कार्ड लगा सकते हैं इसके अंदर। हमारा प्रोसेसर फैन का पावर सॉकेट है, और इससे आगे आगे हम बात करते हैं, ये हमारा ATX कनेक्टर है, इसके अंदर हम अपने SMPS का पावर कनेक्टर लगाते हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पे आके, ये हमारा SATA स्लॉट है, इसके अंदर हम अपना SATA की हार्ड डिस्क की वो केबल लगाते हैं। गाइज जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे टेबल पे कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, इसके बारे में मैं असेंबल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये हमारा है CPU प्रोसेसर फैन, कूलिंग फैन, इसे हम कूलिंग फैन भी बोलते हैं। इसके नीचे हीट सिंक लगी हुई है जिससे हमारे CPU प्रोसेसर को ठंडा रखता है। और हम आगे बात करते हैं, ये हमारी DDR2 RAM जिसके माध्यम से हम अपने, ये सिर्फ इंटरनल मेमोरी है, ज़्यादातर इसके अंदर कुछ ही टेम्परेरी डाटा स्टोर करा जा सकता है, बाकी कुछ दिनों में ये उड़ भी जाता है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा SMPS है, ये हमारे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है, जैसे कि 9V 2+12 और 200 AC से 220 से लेकर 230 के वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके ये हमें DC में 9V 2+12 कन्वर्ट करके देता है, जो हमारे मदरबोर्ड को जितनी पावर की जरूरत होती है। गाइस आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारी SATA हार्ड डिस्क रखी हुई है, इसकी पहचान ये होती है, जैसे कि यहाँ पे इसका स्लॉट है जो भी है, ये पूरा स्लिम है इसके अंदर, और ये हमारा पूरे स्लिम होता है जैसे कि दिखाना चाह रहा हूँ। और आगे हम बात करते हैं, ये हमारी IDE हार्ड डिस्क है जो जिसे हम पाटा भी कहते हैं, इसके अंदर इसकी पहचान ये होती है, इसके अंदर 39 पिंस होती है जो हम इसके अंदर क्या कहते हैं मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं पावर केबल के थ्रू। और गाइस ये जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारी SATA केबल है जिससे हम अपने मदरबोर्ड से SATA हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्ट करते हैं। और आगे मैं बात करता हूँ, ये हमारा PCIe कार्ड है जिससे हम और ज़्यादा अपने PCIe स्लॉट लगाना चाहें तो इस कार्ड के थ्रू लगा सकते हैं। अब आप आगे गाइस, अब मैं आपको इसके असेंबल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम पहले पड़ाव पे आते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं DDR2 RAM है, इसको हम अपने DDR2 RAM के स्लॉट में लगाएंगे, मगर एक चीज़ पहले देखेंगे कि इसका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज के आधार पे हम लगाएंगे। जैसे कि मैं इसका वोल्टेज देख पा रहा हूँ, 1+28 वोल्टेज है इसका, तो ये DDR2 में RAM के अंदर सेट होगा। अब मैं इसको इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ। गाइस आप देखते रहिए, ये इसके अंदर स्लॉट में देख लीजिए कि पूरी तरह से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये मैंने फिक्स किया और ये अपने आप लॉक हो गया, ये हमारा रैम लग चुका है। और आगे मैं फिर बढ़ता हूँ इसके आगे, ये हमारा प्रोसेसर कूलिंग फैन है जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसे हम अपने प्रोसेसर के ऊपर रखते हैं, और इसका ये स्लॉट है प्रोसेसर का पावर सॉकेट, इसको हम आगे लगाएंगे इसके अंदर स्लॉट के अंदर। ये ऐसे मैंने इसके अंदर लगा दिया है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये लग चुका है। आगे हम बात करते हैं कि गाइस हमारे पास SATA की हार्ड डिस्क है, तो हम इसमें SATA की केबल यूज करेंगे। पहले हम SATA की केबल इसके अंदर लगाएंगे, ये लगा दी मैंने SATA की केबल इसके अंदर। अब हम मदरबोर्ड के अंदर SATA स्लॉट के अंदर ये लगाएंगे इसका दूसरा भाग, ये भी मैंने लगा दिया इसके स्लॉट के अंदर इसका पावर केबल। और आगे हम बात करेंगे, ये हमारा PCIe
एक्स्ट्रा कार्ड है जिससे हम और भी ज़्यादा कार्ड लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि ये मैंने इसके अंदर ये फिक्स कर दिया है, ये लग चुका है इस वक्त। आगे हम SMPS की बात करते हैं, ये हमारी SMPS की पावर केबल है जो DC में कन्वर्ट, AC से DC में पावर कन्वर्ट करके देती है हमारे मदरबोर्ड को गाइस। ये हमारी ATX पावर कनेक्टर है जिसे हम इसके अंदर लगाएंगे। ये मैंने जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर दी है गाइस। आगे हम बढ़ते हैं तो गाइस ये हमारा पूरा प्रोसेस था आज, अभी हम इसे पूरा करेंगे। जैसे कि हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर पावर केबल लगाने जा रहे हैं, ये हमारी पावर केबल है जो इसके अंदर ऐसे लगाई जाएगी। इस तरह से इसको इसके अंदर लगा दिया गया है। ये हमारी साटा कनेक्ट हो गई है पावर से, साटा हार्ड ड्राइव पावर से कनेक्ट हो गई है। ये हमारा गाइस पावर सॉकेट है जिसे हमें लगाना बहुत जरूरी है, ये हमने फिक्स कर दिया इसके अंदर। अब हम बात करते हैं आगे और पावर केबल की। ये हमारी पाटा पावर केबल के स्लोट है, ये पूरे पाटा के अंदर लगते हैं जैसे कि IDE के अंदर। और ये हमारा FDD स्लोट है, ये फ्लोपी डिस्क ड्राइव है जो पहले यूज होता था बट अब इसका यूज कुछ नहीं होता गाइस। अब हम आगे इसके प्रोसेसर को आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कि मैंने इसको आपको असेंबल करना सिखाया है, ये ऐसे असेंबल होगा इसका। लास्ट हमारा पॉइंट सिर्फ ये रह गया है गाइस, हमें इसे DC पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने SMPS को। यहाँ पे इसके जैसे कि स्लोट दे रखा होगा, हम इस पावर केबल को इसके अंदर लगाएंगे और ये 220 से 240 के वोल्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करके 9+2 12 वोल्ट कन्वर्ट करके इसको मदरबोर्ड के अंदर देगा। गाइस मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक गाइस सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें।